Hello students, I am Sarika Seth. I am your Hindi teacher. Today I am going to teach you Hindi 2 Palam, Class 2, Chapter 3. Part 3 Mahan Vaigyanik Albert Einstein. Part से पहले part का उद्देश्य Albert Einstein के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से छात्रों का परिचय कराना है. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1869 ईस्वी को जर्मनी के उल नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था. अल्बर्ट का बचपन अभावों में गुजरा. बचपन में उसमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं पाई दिखाई देती थी. उन्हें बोलना भी देर से आया. उनके पिता हरमन और माता पॉलिन तो घबरा ही गए थे कहीं अल्बर्ट गूंगा बहरा ना हो. उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा पाते. इधर अल्बर्ट के सुस्त विकास ने उन्हें अंतर्मुखी और संकोची बना दिया. साथ ही अकेले अलग-थलग रहने और ना खेलने की प्रकृति ने जैसे उन्हें गंभीर और चिंतक बना दिया था. अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिक में हुई. स्कूल के नाम से घबराने वाले अल्बर्ट घर में पिता द्वारा दिए गए चुंबकीय कंपास और ज्यामिति के खेलों में खो जाते. उनके चाचा याकोब उन्हें नित नई गणित की पहेलियां समझाते रहते जिससे गणित और विज्ञान अल्बर्ट के प्रिय विषय बन गए. अल्बर्ट ने स्नातक की उपाधि ज्यूरिक विश्वविद्यालय से प्राप्त की. अल्बर्ट को अब एक नौकरी की सख्त जरूरत थी. बड़ी मुश्किल से पेटेंट कार्यालय में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली. वहां काम करते हुए अल्बर्ट अपने अध्ययन और अनुसंधान में लगे रहे. उनके मस्तिष्क में सिर्फ विज्ञान का सत्य घूमता था. उनके एक एक करके 5 लेख भौतिकी के अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए. इन लेखों के छपने के बाद शोहरत के साथ साथ उन्हें सम्मान भी मिलता गया. सन 1905 में उन्हें सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया. आइंस्टाइन के अनुसार आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने भौतिकी में क्रांति उत्पन्न कर दी. भौतिकी के प्राचीन नियमों के अनुसार यह एक स्वीकृत तथ्य था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है. आइंस्टाइन ने खोज की कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है. आइंस्टाइन अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सत्य के पुजारी भी थे. इनका कहना था कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है. वे गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे. उन्होंने कहा था आने वाली पीढ़ियों में लोग मुश्किल से विश्वास करेंगे कि इस धरती पर गांधी जैसा कोई व्यक्ति सचमुच रहा था. विज्ञान के विषय में कहते थे विज्ञानम सुंदरम. जीवन मूल्य विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया. विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया. बच्चों सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे. ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. शब्द अर्थ पहला है अभाव. अभाव माने होता है कमी. दूसरा क्या है गुजरा. गुजरा माने बीता. तीसरा है आर्थिक. आर्थिक आर्थिक माने पैसे से संबंधित. पैसे से संबंधित. फोर्थ है चिकित्सक. चिकित्सक माने डॉक्टर. फिफ्थ है हमारा अंतर्मुखी. अपने में खोया हुआ. अंतर्मुखी अपने में खोया हुआ. नेक्स्ट है हमारा नित रोज. नेक्स्ट है सख्त.
सख्त, सख्त माने कठोर। एट है हमारा लास्ट शोहरत, शोहरत माने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम श्रुतलेख। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। श्रुतलेख पहला है अल्बर्ट, दूसरा है आइंस्टाइन, तीसरा है म्यूनिक, फोर्थ है अंतर्मुखी, फिफ्थ है चुंबकीय, सिक्स है जयमती। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर देखेंगे, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक है, अल्बर्ट का जन्म, अल्बर्ट का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था। उत्तर क्या है, अल्बर्ट का जन्म जर्मनी के उत्तम नगर में हुआ था। अल्बर्ट का जन्म जर्मनी के उत्तम नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट का बचपन कैसे गुजरा, अल्बर्ट का बचपन कैसे गुजरा, अल्बर्ट का बचपन कैसे गुजरा, अल्बर्ट का बचपन अभावों में गुजरा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट के माता पिता क्यों घबरा गए थे, अल्बर्ट के माता पिता क्यों घबरा गए थे। तो क्यों घबरा गए थे अल्बर्ट के माता पिता, अल्बर्ट के माता पिता घबरा गए थे, घबरा गए थे कि कहीं अल्बर्ट भी गूंगा बहरा ने हो। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ है हमारा क्वेश्चन, आइंस्टाइन किस भारतीय के बड़े प्रशंसक थे, आइंस्टाइन किस भारतीय के प्रशंसक थे। आइंस्टाइन गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। नेक्स्ट देखेंगे हम खाली जगह भरिए, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है खाली स्थान।
ये हम रख कर देते हैं। खाली स्थान है नंबर एक है अल्बर्ट की डैश शिक्षा, डैश में क्या आएगा, प्रारंभिक। अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिक में हुई। सेकेंड फिलअप है हमारा गणित और विज्ञान, अल्बर्ट के प्रिय विषय बन गए। थर्ड है उनके मस्तिष्क में सिर्फ विज्ञान का सत्य घूमता था। फोर्थ है हमारा लास्ट, इन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये हो गए हमारे खाली स्थान। इसके बाद बच्चों सही गलत देखेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सही गलत। नंबर एक अल्बर्ट का जन्म यहूदी। अल्बर्ट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये क्या है, राइट। सेकेंड है हमारा अल्बर्ट के माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अल्बर्ट के माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आंसर है रॉन्ग। थर्ड है हमारा, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, एक पेटेंट कार्यालय में उन्हें वैज्ञानिक की नौकरी मिली, राइट। फोर्थ है हमारा, वे गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे, यस राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम व्याकरण बोध जोड़कर बनाने हैं। ये हमें 1 2 3 4 इधर है हमारा बी ज्ञान, बी जोड़ के हमें सारे बनाने हैं।
मान देश शेष। जी तो यहां पर बनेंगे विज्ञान, तो क्या बना विज्ञान, विमान विमान, विदेश विदेश, नेक्स्ट है विशेष, क्या बना विशेष। ये भी बच्चों आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बॉक्स में से नाम वाले संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अल्बर्ट सूस जर्मनी अनुसंधान गांधी प्रकाशित गणित मनुष्य बड़ा और यह है। तो 1 2 3 4 5 है हमारे 1 2 3 4 5 कौन कौन से हैं? अल्बर्ट जर्मनी संज्ञा शब्द गांधी गणित और लास्ट है हमारा मनुष्य। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे मौखिक प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर एक है हमारा भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो उत्तर हमारा क्या है? भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम बताइए। कौन है भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति? डॉक्टर ए पी जे अब्दुल अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो क्या आंसर है बच्चों? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत के दो वैज्ञानिक वैज्ञानिकों के नाम बताइए। नंबर एक सीवी रमन और नंबर दो है हमारे एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर शेखर एस चंद्रशेखर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मनी की राजधानी कहाँ है? उत्तर 4 देखेंगे हम बर्लिन। तो बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां कुछ अलग करें, इसमें विज्ञान के आविष्कारों के चित्रों को काटकर चिपकाने हैं आपको। यहाँ पर सारे 1 2 3 4 5 फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी खेल खेल में मिलान करने हैं आपको। ये क्या क्या है? फेसबुक फेसबुक, जी गूगल, एस एमएस वर्ड और याहू एमएस वर्ड याहू, ये आपको स्वयं करना है। और बच्चों ये जो आपको वर्क दिया गया है ये आपके पोर्टल में भी आपको दिया जाएगा, आप इसको अपने पोर्टल में भी देख सकते हैं और आपको ये अपनी
Now, have a nice day. Thank you very much.